एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? मैं यहाँ हूँ मेरे सवरिया, मैं ही वो लड़की हूँ जिसने गोपाल के साथ नाइट्स गुजारी थी। आई लाइक हिम। ए मुनी। एक एक। अरे तुम नहीं, एकता यही है वो लड़की, लक्ष्मण मेरे दोस्त, यही है वो लड़की जिसके साथ मैंने रात बिताई थी, यही है। देख मतलब देख ये। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं ही वो लड़की हूँ जिसने इनके साथ रात बिताई थी। नहीं भाई, थर की साला। गोपाल ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, और अगर नहीं मरी तो अब मरूंगी। अरे एकता, अरे कहाँ जा रही है ये फंदा? कौन सी कंपनी है तुम्हारी? मेरी? और कौन सा रैकेट चला रही हो तुम? रैकेट? अरे मीरा, मैंने आज तक टेनिस के रैकेट को भी हाथ नहीं लगाया, मैं सच कह रहा हूँ। तू कुछ बोलना। अब रहने दे, मैं समझाता हूँ। लगता है तुम्हें सब सच बताना ही पड़ेगा। एक्चुअली ये सब मेरे उस रंगीले ठरकी बॉस और इसके जीजा की वजह से हुआ है। मीरा, पुलिस को शक है कि मेरे बॉस ने लास्ट फ्राइडे को किसी का मर्डर कर दिया, और बॉस का यह कहना है कि लास्ट फ्राइडे वो रेड राइनो डिस्को में थे, वहां से जब निकले तो वो ब्लू क्रॉस स्ट्रीट पे कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे थे, और फिर उन्होंने उस लड़की को गुंडों से बचाया। हाँ। उस घबराई हुई लड़की को संभाला, और उसके बाद दोनों मालेगांव बीच के एक यॉट पे गए। हाँ, लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता? उसकी फिल्म बन गई क्या? मैं ही वो लड़की हूँ। देखो मेरा, मेरा फॉर गॉड सेक, माय सेक, नेम सेक बोल दो कि ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, बोलो ये सब झूठ है। ये एकदम सच है। क्यों सच है? क्यों सच है? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे कुछ क्या हो रहा है? अरे जिस लड़की को इतने दिनों से तुम लोग ढूंढ रहे हो, तुम्हारे सामने खड़ी है। खुश क्यों? हा? मेरी शादी होने वाली है, हा? इसका मतलब है मीरा, तुमने और गोपाल ने उस रात यॉट के ऊपर कहा? मुझे बताओ कौन से ऐसी वार्ड में तुम्हारी फैमिली एडमिट है, वहां एक खटिया और डाल दो मेरे लिए। एक आदमी और एक औरत एक जगह पे एक साथ एक रात बिताए, इसका ये मतलब नहीं कि उनके बीच में कुछ हुआ है। और तुम मुझ पर शक कर रहे हो? गोपाल इज इनोसेंट, और मैं जा रही हूं पुलिस स्टेशन अपना स्टेटमेंट देने। और एक और चीज, लूज है, अगर प्यार किया है तो भरोसा भी करना सीखो। अगर तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद मेरा भी वो हाल हो जो गोपाल और उसकी पत्नी का हुआ है। मेरा इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस ब्लडी शक। शक पुत्र। मेरा देखो मेरा, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई मेरा, मैं अब दोबारा कभी तुम पर शक नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। सॉरी, ये पहन लो प्लीज, प्लीज। ये वाली किसने दी? मजाक मजाक कर, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो 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 पुलिस स्टेशन चलते। क्या हंस क्या रहा है? देख, अगर एक लड़का लड़की एक रात साथ में हो तो जरूरी नहीं कि उन दोनों में कुछ हुआ हो, समझा? अरे अरे हंस क्या रहा है? उसने बताया ना, अगर एक लड़का लड़की एक रात साथ में हो तो जरूरी नहीं कि उन दोनों में कुछ हुआ हो। हंसना बंद कर, याद है, याद है, याद है, कुछ नहीं, कुछ नहीं डाली, उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, याद है। मेरी मुन्नी कहाँ है? आपकी बच्ची कहीं खो गई है? अरे बच्ची नहीं, मेरी बड़ी वाली मुन्नी, वसूली की मुन्नी, जेल रिटर्न। अच्छा मुन्नी, देखिए मुन्नी का हमें भी पता नहीं है, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, जैसे मिल जाती है मैं तुरंत आपको मिस कॉल दे दूंगा। मिस कॉल मोबाइल? अरे मेरी मुन्नी जब से तुम लोगों के नेटवर्क में आई है आउट ऑफ रीच हो गई है। ये कौन है?
देखिए मुन्नी नहीं, मुन्नी नहीं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। तो इसका नाम कानून है। अब देख वसूली का कानून, मेरी मुन्नी भेज और अपना कानून ले जा। गन है, चीर के रख दूंगा। चल बोल चुका हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, गोली मारूंगा। एक मिनट, वो लड़की मिल गई। लड़की मिल गई। कौन लड़की? मीरा। कौन मीरा? वो जो उस रात गोपाल के साथ थी ना, वो उसका नाम मुन्नी है। नहीं नहीं, वो तो हमारी सेटिंग थी। मीरा किसकी सेटिंग है? वो मेरी पर्सनल सेटिंग है सर। मीरा को भेज, मीरा को भेज। नहीं सर, वो मीरा को वसूली ले गए। अब ये वसूली कौन है यार? वो मुन्नी का बॉयफ्रेंड। अभी मुन्नी का बॉयफ्रेंड तो मुन्नी को लेके जाने चाहिए ना, मीरा को लेके गया वो, क्योंकि उसको मुन्नी चाहिए ना सर, इसीलिए सर हुआ ये कि बहुत हो चुका। बेबी नाउ नाउ, मेरी पूरी फैमिली को जेल में डालोगे क्या? डालना तो पागल खाने में चाहता हूँ, लेकिन जेल ही है मेरे पास। इनफ मैड, इनफ मैड। ये क्यों हो रही तुम्हारी आवाज? गोपाल मेरा भाई है। सो सैड। और वो आजकल इतने टेंशन में है, और तुम उसे हेल्प करने के बजाय You're always after him. I'm so sorry. Mads? Yeah? गोपाल भैया को बाहर निकालो ना। वो पहले से बाहर है, उसको बाहर कैसे निकालो, है ना? वो MD सावंत है ना? उसने उसकी बेल कराई और अपने साथ लेके गया। अरे फिर तो हमें वहाँ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉस की जब एक प्रॉब्लम में से एग्जिट होती है ना, तो दूसरे में एंट्री हो जाती है। Thanks for the bail, sir. Anytime, गोपाल। लेकिन हम जाकर हैं। Lovers Point. ये अरे ये तो बॉस और बिग बॉस है। पर ये दोनों लवर्स पॉइंट क्यों जा रहे हैं? इजी लाइक बेचारी एकता भाभी हमेशा समझती थी कि गोपाल बॉस का लड़कियों के साथ अफेयर है। आई हैव टू इन्फॉर्म भाभी। भाभी जल्दी से लवर्स पॉइंट पहुंच जाओ। आपको पता नहीं कि भैया ने इसमें क्या हरकत। हाँ वसूली भाई, आप जल्दी से मीरा को लेकर लवर्स पॉइंट आ जाइए। तेरे को किसे बात करना है? ओ गॉड, क्रेजी फैमिली। सर यहाँ क्यों ले आए मुझे? यहाँ आने की वजह जानने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ गोपाल। आओ। तुम्हारे लिए है, पढ़ो। मैं गोपाल अपने होशो हवास में ये एडमिट करता हूं कि आई हैव किल्ड सुबोध मेहरा। सुबोध मेहरा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं ड्रग्स की स्मगलिंग करता हूं, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और इसलिए मैं सुसाइड। तुम सुसाइड कर रहे हो गोपाल? सर ये लेटर मैंने नहीं लिखा। लेकिन हैंडराइटिंग तो तुम्हारी है ना? हैंडराइटिंग तो मेरी है, लेकिन सर मैंने नहीं लिखा। नहीं लिखा होगा गोपाल, लेकिन मरने के बाद ये बात साबित कैसे करोगे? सुबोध मेहरा को पता चल गया कि सावंत सर ड्रग्स एक्सपोर्ट करते हैं। इसीलिए मैंने उसको ऊपर एक्सपोर्ट कर दिया। मर्डर का शक तो आप ही था, उसे यकीन में बदलने के लिए मुन्नी को गायब किया और ये लेटर भी प्लान किया।
Yeah, I knew it. Golden fishery में ड्रग्स की स्मगलिंग होती, मुझे पता था। I am a super cop. वो सब ठीक है। इसका मतलब भैया बेकसूर है मैच। अरे मुन्नी, मुन्नी, मेरी मीरा का पासपोर्ट, इसका वसूली भी आ रहा है। वो देखो कुपर, फांसी का फंदा। देख, तुम खुद भी तो खोल सकती थी ये। मैड्स, हाँ? चलो ना, कहाँ? नहीं तो भैया को फांसी लग जाएगी। I don't think so यार। प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में मेरी सारी गोलियां वेस्ट हो गई, तो बंदूक तो है मेरे पास लेकिन इसमें गोलियां नहीं है। सो सॉरी यार। चल दे। गोपाल, रुको। मेरे पति को छोड़ दो। वो जो भी है, जैसा भी है, मेरा पति है। अच्छा हुआ तू भाग गई। परेशान हो गए? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? मैं यहाँ हूँ मेरे सावरिया। मैं ही वो लड़की हूँ जिसने गोपाल के साथ नाइट्स गुजार दिया। आई लाइक्स हिम। ए मुन्नी, एक एक। अरे तुम नहीं, इतना यही है वो लड़की, लक्ष्मण मेरे दोस्त, यही है वो लड़की जिसके साथ मैंने रात बिताई थी, यही है। देख मतलब देख ये। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं ही वो लड़की हूँ जिसने इनके साथ रात बिताई थी। नहीं भाई, थर की साला। गोपाल, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? और अगर नहीं मरी तो अब मरूंगी। अरे एकता, अरे कहाँ जा रही है? ये फंदा आपने नहीं बना। आप दीजिए, नीचे आइए। क्या कर रही हो? पागल हो? भाभी को बचाओ। क्यों? क्यों? वो जान दे रही है। मैंने तो पहले ही बोला था गोपाल को छोड़ने के लिए। व्हाट? सुनी नहीं मेरी बात? सिली गर्ल। अरे गोपाल को चलाओ ऊपर। अरे एकता, उस रात में दो के साथ नहीं था। दूसरी के साथ था लेकिन कोई जवाब नहीं है ना। बेबी कब उठेंगे? वाह बॉस, वाह, ठीक बैड बटरफ्लाई। गोपाल मीरा के साथ भी था। उसको बोला बॉस। वाह बॉस वाह, आखिर आपके मुंह से सच निकल ही गया ना बॉस। ए, क्या बक रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर जब भी मैं आपको उस रात के बारे में पूछता हूँ तो आपके चेहरे पे ये हंसी क्यों आ जाती है? हा? देखो देखो, है ना? वो मैं बचपन से ही हसमुख हूँ ना, इसलिए। तुम्हें हसमुख है? निपात मुटार तेरे दा है? भाभी भाभी आप नीचे आ जाओ, मैं लटकूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। इसे तो मरना बेहतर है। मैं मरूंगा क्या? मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। अरे मेरे लाल, आई एम सॉरी, मेरी बात मान, मैं तेरे बॉस का बॉस हूँ। नीचे आ जा, गोपाल को फांसी चढ़ने दे, मेरी बात मान। अरे क्या बॉस है? लक्ष्मण मेरे तंगे। शट अप रास्कल। बहन जी प्लीज अब आप सुनो। अरे मरना तो मुझे चाहिए जो तुम जैसे लड़के से प्यार किया, कितना कन्विंस किया फिर भी शक करते हो तो मुझे, मैं मरना चाहती हूँ। अरे एक मिनट, एक मिनट, मरने से पहले सच्चाई तो बता दो। अरे हाँ एकता जी, मुझे बायोपन की कसम खाकर कहती हूँ कि उस रात गोपाल और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ। देखा? आपका पति निर्दोष है, मगर उस रात उस कलमुही के साथ क्या हुआ वो मुझे मालूम नहीं। मुर्गन मैं आ रही हूँ। अरे छोड़ दे, अरे रुक जाओ। ए कानून बेटा, ये बंदा मुझे दे दे। मुन्नी मुझे बंदा चाहिए, मैंने तुझे चावला सोच के और तूने मुझे धोखा दिया पगला सोच के। अल्लाह क्यों नहीं गई? छोड़ो मैं मरूंगी, जिसके लिए मैंने ये सारे गैजेट्स किए वो बस नहीं कुछ पर डाउट्स करते हैं। I hate you, लेकिन मरने से पहले मैं कुछ क्लियर्स कर देना चाहती हूँ। देखिए बहन जी, आपके भाई साहब के साथ मेरा कोई लफड़ा नहीं हुआ, कोई रात को कुछ नहीं हुआ, और ये सब करने के लिए मुझे इस भाई साहब ने पैसे दिए थे। मैं हमेशा से पवित्र थी, पवित्र हूँ, लेकिन अब नहीं रहूंगी, बिकॉज़ आई डाइड। पगली मर जाएगी, मुन्नी मर जाएगी। Stop it! Stop it! खबरदार को अपनी जगह से हिला तो उल्लू के पट्टों
पुलिस ने इस जगह को एक तरह से घेर लिया है और ये दिख रहा नहीं है, गन है, गन, गोली मार दूंगा, समझे? खड़े रहे। दिस इज चीटिंग यार, तुमने तो कहा इसमें बुलेट से नहीं है। टप्पर, इडियट, इनको बताने की जरूरत थी, जो सबसे बड़ी ढक्कन है और तेरे से बड़ा ढक्कन मैं हूं जो तेरे से प्यार करता हूं। गॉड प्लीज हेल्प मी फ्रॉम दिस। ओए तुम कहां जा रही हो? ओए चल 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 चल। फांसी ले रहे आप? उठ जाना, खाना पड़ रहा है क्या यहाँ पे? आओ। बाबा के बच्चे, बोला था तेरे को मैंने अपने 10-12 आदमी साथ में लेकर आना। पागल बोलता है यार। अब मैंने डिसाइड कर लिया, अब मरेगा तो सिर्फ एक आदमी। कौन? मैं। मुक्ति चाहिए मुझे। थैंक यू, थैंक यू कपल। आ रहा हूँ मैं। अब किस बात का गुस्सा? गोपाल बेकसूर है माधव, मैं सीरियल वॉचर हूँ, मगर मेरे पति सीरियल किलर नहीं है। बॉस आप भी गुस्से को साइड पॉकेट में डाल दो, पुलिस वाला फैमिली में आ गया तो आप ऐसे हजार लफड़ों से बच सकते हो। चलो मैज, भैया से हाथ मिलाओ तो ही मेरा हाथ मिलेगा। ओए मिला लो साहब जी, बस ऊपर। वाह, ऊपर वाले ने क्या मिलाया। सॉरी एकता, मैंने तुमसे झूठ बोला। तुमने झूठ बोला क्योंकि मैं हमेशा तुम पे शक करती थी। गोपाल, आई प्रॉमिस, ये सीरियल्स है ना, आज के बाद मैं कभी सीरियल्स नहीं देखूंगा। ये सीरियल्स होते ही बड़े कंटेजियस हैं। पता है कल सास बहू के एपिसोड में क्या हुआ? तुलसी का नया पति आ गया। क्या? कौन? अरे पांव से सर तक दिखाते दिखाते एपिसोड ही खत्म हो गया। आज रात को पता चलेगा कि उसका नया पति कौन है। चलो चलो, अभी भी टाइम है, चलो।